योगी की यूपी सरकार ने सहारनपुर हिंसा मामले की रिपोर्ट NHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स को भेज दी है, लेकिन योगी द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कुछ खुलासे चौंकाने वाले हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी ने सहारनपुर मामले में जाति हिंसा फैलाई है, तो वही प्रशासन की लापरवाही के चलते इस हिंसा को भड़कने में मदद मिली। अब आइए दिखाते हैं आपको कि रिपोर्ट में क्या खास है। रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें सिर्फ पुलिस प्रशासन को ही जिम्मेदार माना गया है, जबकि राजनेताओं पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इसके अलावा स्थानीय अधिसूचना इकाई को इनपुट देने में चूक होने को भी बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि ब्यौरे में बीजेपी सांसद राघव लखनपाल, BSP के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह को भी उन्हीं घटनाओं में शामिल बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि माया के दौरे के बाद स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। मामले में DM SSP पर उचित कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर समय रहते घटना पर काबू पाया जाता तो शायद हालात ऐसे ना हो पाते। जिम्मेदार थी, इसीलिए DM और SSP के खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई करी। तो ये कोई बात छुपी नहीं है, स्थानीय स्तर पे प्रशासनिक लेवल पे लापरवाही हुई जिसकी वजह से वहाँ पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। तो वही दूसरी ओर विपक्ष अब सहारनपुर मामले में हुए बेकाबू हालात को लेकर योगी सरकार को न सिर्फ घेर रहा है, बल्कि रिपोर्ट में किसी भी नेता पर आरोप न तय होने पर भी सवाल खड़े कर रहा है। गृह मंत्रालय यहाँ किसके पास है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास है, तो अगर वो पूरी तरह फेल हुआ तो इसका मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी फेल हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर रिपोर्ट्स में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां से दंगे की शुरुआत हुई, जहां से झगड़े की शुरुआत हुई, उनका नाम नहीं आ रहा है, तो इस रिपोर्ट बेमानी है, इस रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय भी हैं और बहुत सख्त भी हैं, उनके निगाह से कोई बच नहीं सकता, जो भी गड़बड़ करने वाला है कोई व्यक्ति बच नहीं पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर BJP ने UP में अपना वनवास खत्म किया था, कहीं सहारनपुर जैसी घटनाएं सूबे की जनता को ये सोचने पर मजबूर ना कर दे कि कहीं उनका चुनावी फैसला गलत तो नहीं था। तो वही रिपोर्ट में पार्टी के नेताओं को क्लीन चिट और सिर्फ प्रशासन को जिम्मेदार बताने के बाद ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या अपनों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।